कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था और फ्रेंड्स एक चीज और बताऊं हम जिन चैप्टर्स को इम्पोर्टेंट कहते थे उसके रिवर्सल में क्योंकि तो इन डायरेक्ट तो कुछ सारी चीजें आपको पढ़ के जानी होंगी बराबर जून ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स के लिए देखिए जरा ये आपका पूरा सिलेबस है इंडेक्स बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सा कितने मार्क्स के लिए आया था बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स 5 मार्क्स के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस 10 मार्क्स के लिए अनएक्स्पेक्टेड बराबर हेड्स ऑफ सैलरी जिसे हम नॉर्मली हर बार 8 टू 9 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं 5 मार्क्स हाउस प्रॉपर्टी 5 मार्क्स का ही एक्सपेक्टेशन होता है और 5 मार्क्स के लिए आया है बिजनेस एंड प्रोफेशन 9 टू 10 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं बट 7 मार्क्स कैपिटल गेन 5 मार्क्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अनएक्स्पेक्टेडली 8 मार्क्स लेकिन एज यू पीपल नो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं होते टोटल इनकम का ही पार्ट होता है क्लबिंग ऑफ इनकम 5 मार्क्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 5 मार्क्स टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स 5 मार्क्स एंड अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न्स फाइलिंग जिसका वेटेज बराबर आई यूज्ड टू से 5 टू 6 मार्क्स लेकिन धमाका कर दिया 10 मार्क्स जो कि थियोरिटिकल होता है स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एक बार पढ़ पढ़ के जाते हैं टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स टैक्स मार्क्स ऑफ हालांकि चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, पर हमने उसको पार्ट करके चैप्टर के इंपॉर्टेंस के हिसाब से मार्क्स को बाइफकेट किया है अलॉन्ग विद ऑप्शन सेवेंटी फाइव मार्क्स ठीक है नाउ इससे इस, इस चीज से आप ये एनालिसिस कीजिए गाइस कि आप कोई भी चैप्टर डायरेक्ट टैक्स में इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट बराबर नहीं कह सकते ना यस yes. फिर भी ये जिस तरीके से पैटर्न आया आपने देखा इस बार वेल प्लान पेपर था हर चीज पांच पांच मार्क के लिए पूछी गई है एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं है नॉट ईवन सिंगल चैप्टर हैज बीन लेफ्ट ठीक है फाइव मार्क्स एट मार्क्स सेवन मार्क्स फाइव मार्क्स ठीक है हर चैप्टर को टच किया है अग्री यस yes. तो गाइस शुरू करते हैं

जूम लाइव लेक्चर ऑल्सो तो ऑल ओवर इंडिया ठीक है हमारे जूम लाइव लेक्चर्स चलते हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलते हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पूरा मॉड्यूल टू मॉड्यूल वन बहुत सारी चीजें हैं रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है हार्ड कॉपीज हैं वेल अपडेटेड लेक्चर्स है इफ यू वॉन्ट यू कैन परचेज इट आपको अगर डिटेल्स जानने हैं उसके बारे में तो यू कैन लॉग इन ऑन जेके शाह ऑनलाइन डॉट जेके शाह क्लासेस डॉट कॉम यू कैन गो ऑन आर यूट्यूब चैनल टू यू नो रिमेन अपडेट

Fine, तो guys, suggested से पहले अब क्वेश्चन पेपर न्यू सिलेबस के लिए और पहला क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट ने सोचा होगा अरे बाप रे ये तो नेवर एंडिंग क्वेश्चन है में देखो से शुरू होता है ये क्वेश्चन एंड एंड होता है थर्ड पेज पे बराबर स्टूडेंट्स को लगा होगा अरे बाप रे ये क्या जॉइन क्वेश्चन पूछ लिया बट क्वेश्चन वॉज वेरी इजी ठीक है पूरे सोल्यूशन है फटाफट इसको डिस्कस करते हैं सोल्यूशन देखते हैं और टू द पॉइंट आप लोग को सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में ठीक है मिल जाएगा गूगल शीट की लिंक होगी आप प्लीज उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें ओके फाइन तो लेट स्टार्ट विथ फटाफट फटाफट 20-25 मिनट्स में आई वांट टू सॉल्व दिस पेपर देखो जरा विजय इंडियन सिटीजन लिविंग इन दिल्ली सिंस टू तो विजय मेरा एसएससी हो गया है वो इंडियन सिटीजन है 1972 से वो इंडिया में रह रहा है ही लेफ्ट फॉर फ्रांस ऑन 1st अगस्त 2017 ठीक है और 2072 के बाद वो पहली बार बराबर फ्रांस गया है 1st अगस्त 17 इसका मतलब 1st अगस्त 2017 से पहले वो पूरे पूरे साल इंडिया में ही रहता था एंड केम बैक ऑन 22nd अप्रैल 2022 2nd अप्रैल 2022 वापस इंडिया में वो 2nd अप्रैल 2022 को आया

ठीक है तो ये पहला रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक सैलरी है टैक्सेबल <coughs> होता है डी एन एस अलावेंस है टैक्सेबल होता है फिक्स मेडिकल अलावेंसेज है मेडिकल अलावेंस इज फुल्ली टेक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस एग्जाम की कैटेगरी में आता है सेक्शन टेन थर्टीन ए ट्रांसपोर्ट अलावेंस ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी एग्जाम की कैटेगरी में आता है सेक्शन टेन फोर्टीन है ना यस हम सोचते हमेशा नॉर्मल टैक्स रिटर्न हैं हमेशा से है नॉर्मल टैक्स रेजिम के पॉइंट से बाद में अगर ऑल्टरनेटिव पूछा होगा तो देखेंगे नाउ बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है क्लब मेंबरशिप फीस फुल्ली टैक्सेबल रेसिडेंस टेलीफोन इट इज अ पर ठीक है ये भी परक्यूजिट है

राइट right? अच्छा दूसरी चीज एक और एक और एक और जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है आप सबसे भी कहता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए तो आपके दिमाग में इंटरेस्ट के तीन सेक्शन आने चाहिए एक सेक्शन ट्वेंटी फोर हाउस प्रॉपर्टी का रहना एक e e और एक ए टी एस यस यस गाइज यहां पे ए e ए लगेगा बहुत सारी कंडीशन के साथ है ठीक है ए क्यू लगेगा वो भी मैं आपको फटाफट बता दू ना अगर आपने ए डिडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया था कि इफ एनी वन इंडिविजुअलिंग लोन इन बिटवीन टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है ना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बराबर दे आर एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अपू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यस yes, लेकिन कुछ कंडीशन थी कंडीशन ये थी कि एस के पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए तो गाइज हम ये मान के चलते हैं कि उसने अपना पहला घर खरीदा है दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्टी वैल्यू अप टू होना चाहिए स्टैंडर्टी वैल्यू फोर्टी वन लैक है तीसरा ठीक है टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं है पर हम ये अज्यूम करके चलेंगे नॉर्मल केसेस में बैंक से ही लोन लिया जाता है ओके नाउ फोर्थ 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 नाउ अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको मिलेंगे बराबर है ठीक है तो ये देखो ATA में सारे के सारे कंसेप्ट सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पूरे पैराग्राफ में स्टोरी दी गई है ना तो एटीईए का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिम लैफ्टी सुनते जाना आई डोंट टू वेस्ट योर टाइम बराबर आपको फटाफट 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 बता रहा हूँ सारी चीजें सेकेंड पॉइंट अब सेकेंड डिडक्शन देखो और वहीकल लोन ओ हो 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 उसने घर खरीदने के लिए लोन लिया है आस ने और वहीकल खरीदने के लिए लोन लिया है वहीकल खरीदने के लिए लोन लिया है इसका मतलब आप लोग पढ़ेंगे -E 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 का मिलेगा ऑन फॉर फॉर द ऑफ 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 न्यू इलेक्ट्रिकल कार मार्च बराबर नाउ पर्सनल यूज अमाउंट लोन ड्यूरिंग ,00 का का और वो भी वहीकल कौन सी इलेक्ट्रिक वहीकल Yes. आप लोगों ने बी e पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक कार के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन है ये yes, yes, yes. ये 29 में within the time limit है, तो उस पे ये offer valid था. Towards 80, Guys, principal amount पे था। कोई डिडक्शन नहीं है इसमें इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना ये इग्नोर है सिंपल लाइबिलिटी है बट टूवर्ड्स इंटरेस्ट आपको एटीई बी e का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी ओ यस

दिमाग में आया जरूर है टी जी जी बी बट नाउ आगे देखो द एंटायर डोनेशन वॉज गिवन इन कैश तो गाइस ये डोनेशन ये डिडक्शन मिलेगा नहीं क्योंकि तो उसने कैश में डोनेशन दिया है नॉट अलाउड ओके नाउ बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो पूरी केस स्टडी दी थी ऑन द अबाव आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड सेपरेटली गाइज आप लोग को तीन क्वेश्चन दिए हैं ईच क्वेश्चन कैरीज फाइव मार्क्स ऑप्शनल नहीं है कम्पल्सरी है उनकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है ऑन द अजम्पन स्कीम ऑफ सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टी ओ हो ऑप्टिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टैक्स है ना

मतलब जब आप सी सॉल्व करो तो आप ये देखो कि आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम फॉलो किया हो आप लोग एटीआर से नहीं जा सकते रीजन है रीजन है, reason है. अगर ए टी आर होता तो गाइज आपको पता है एटीआर में डिडक्शन है ही नहीं है ना यस yes. ना तो गाइज ये था पूरा का पूरा सम एज अ स्टूडेंट मैंने आपको नॉर्मल हमको 15 मिनट्स लग गए हैं ये रीड करते करते एज अ स्टूडेंट आपको शायद 20 से 25 मिनट्स लगे होंगे मेंटली प्रिपेयर होने को टाइम लगा होगा बराबर तो फ्रेंड्स यूज टू हो जाओ जून 24 में भी पहला क्वेश्चन पंद्रह मार्क का अगर ऐसा धमाका क्वेश्चन आया तो यू शुड अंडरस्टैंड ठीक है दिसंबर 23 वालों के लिए सरप्राइजिंग था ठीक है सारी चीजें मिक्सचर थी लेकिन आपके लिए ये समझने का मौका है ओके okay. इस यही सब एडवांटेजेस होती हैं बराबर पोस्टमार्टम सीरीज की ठीक है एंड जेके सी इज ऑलवेज कमिंग अप विद द बेनिफिट्स आपकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए आंसर देखो फटाफट सबसे पहले तो उन्होंने पूछा प्रॉपर क्वेश्चन है फॉर्मेट right? तो बनाएंगे विजय अच्छा मैंने ये रेसिडेंशियल स्टेटस पी वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एन एवेंटी थ्री ट्वेंटी अब देखो 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 गाइस मैंने हमेशा स्टूडेंट से क्या कहा है मालूम है रेसिडेंशियल स्टेटस सॉल्व करने के लिए अगर मेरे स्टूडेंट्स इनफीरियर सजेशंस को देख रहे होंगे तो ना मैंने हमेशा कहा है कि जब रेसिडेंशियल स्टेटस आता है तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं यार स्टार्ट कहाँ से करें तो मैंने हमेशा उनको स्टेप्स दी हैं स्टेप वन चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये देखो कि बंदा एक्सेप्शन है या नहीं है है ना बोलो बोलो यस मेरे जेकेसी स्टूडेंट्स को सब पता है इसको कैसे क्रैक करना है तो क्या पहला पैराग्राफ रेसिडेंशियल स्टेटस का था इसमें मुझे पढ़ के पता चला है कि वो बंदा एक्सेप्शन नहीं है ठीक है एक्सेप्शन नहीं है इसका मतलब उसको नॉर्मल बहुत बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी और बहुत होंगी तो मैंने फर्स्ट स्टेप के साथ साथ अपना ही पूरा फॉर्मेट बना लिया सेक्शन सिक्स वन का

पहला वर्किंग नोट बनाऊंगा ठीक है मेरा फर्स्ट अप्रैल से मैं कहा से कहां तक था हेलो ठीक है अब देखो सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी थ्री मैंने कंसिडर कर ली है सॉरी मैंने इसको 23, 24 के हिसाब से ही सॉल्व किया है तो सर सेकेंड अप्रैल से आपने कैसे ले लिया अपना यह ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना यस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है आप चाहिए तो आप इसको ट्वेंटी टू कर लें या आप बेटर है आपके लिए तो लेटेस्ट ही आ चुका है अब देखो

ठीक है तो आपको टोटल आ जाएंगे थ्री सिक्सटी फाइव डेज क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहता है करंट ईयर में आने के बाद वो 15 जुलाई के महीने में चाइना गया था मतलब और इंडिया में नहीं था बराबर तो देखो जुलाई का मंथ थर्टी फर्स्ट का मंथ होता है मैंने थर्टी वन माइनस फिफ्टी डेज ले ली ठीक है यस yes, मैंने उन्होंने सिर्फ फिफ्टीन डेज लिखा है ना आने का डेट लिखा है, ना जाने का डेट तो मैंने फिफ्टीन डेज को एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया मान लिया है इज नो अदर चॉइस टू द स्टूडेंट तो मेरे ही कैलकुलेशन से थ्री फिफ्टी डेज आते हैं तो मतलब बंदा करंट ईयर में कितने दिन रहा थ्री फिफ्टी डेज ओ हो 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 तो ना आप इधर थ्री फिफ्टी डेज लिखेंगे स्टे इन इंडिया थ्री फिफ्टी डेज और मुझे तो वन एटी टू डेज ही चाहिए था इट इज टोटली टोटलीफाइड मतलब बंदा बन चुका है

है ना वेरी तो बात सुनना लास्ट सेवन इयर्स कहां से होते हैं 21-22 बराबर है? 2021, ट्वेंटी सेवनटीन एटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहां तक आप लोग कंसीडर करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके नाउ अब सर यहाँ पे आपने 21, 22 लिया है हाँ क्योंकि मैंने 22, 23 पकड़ा है नहीं तो आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को चाहिए तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं 22 तो आप लोग को एक दिन कम आ जाएगा थ्री फोर्टी डेज आने चाहिए अगर जो 22, 23 से सॉल्व कर रहे हैं तो और जो 23, 24 से सॉल्व कर रहे हैं उनको थ्री डेज आएगा ओके तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करें क्योंकि तो 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 क्वेश्चन कह रहा है वो सेवन को फर्स्ट ऑगस्ट सेवनटीन को आया है फर्स्ट सॉरी वो इंडिया छोड़ के चला गया तो उससे पहले वो इंडिया में था राइट right? क्वेश्चन uh, देखो

आपके लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ठीक है? Now, अब उसमें अगर आप देखोगे तो वो हर साल रेसिडेंट देखो मैंने आर आर लिखा है तो कितनी बार रेसिडेंट हो गया लास्ट टेन ईयर्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम यहां पे लिखा है he is five times लिखा है मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रेसिडेंट रहा है बराबर तो this is also satisfied. इसका मतलब स्टेटस क्या बना आर एंड ओ आर इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको टेबल बनाने के बाद एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना था कि मिस्टर विजय सेटिस्फाइड फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेक्शन सिक्स बराबर इसलिए विजय हैज डिक्लेयर्ड करके आइएगारी पी वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ओके मैं फिर से कह रहा हूं मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए डेट्स में गड़बड़ नहीं करी है क्योंकि तो उससे पूरा कंक्लूजन बदल जाएगा फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप सजेस्टेड देखोगे फाइन तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हुआ सेकेंड बी सैलरी सॉल्व करने के लिए कहा गया था अब गाइज सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आता होगा लेकिन एक जगह पे ट्विस्ट था इन्होंने इन्होंने क्या लिखा है देखो बंदे ने ज्वाइन कब किया कंपनी सेकेंड अप्रैल 22 बराबर मैं इसे सेकेंड अप्रैल अब अपने इस कैलकुलेशन के लिए 23 थ्री कर ले बराबर इसका मतलब अप्रैल में वो एक दिन के बाद ज्वाइन किया हाँ तो सर काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जब सैलरी सॉल्व करी गाइस उन्होंने इनटू 12 मंथ्स ले लिए सब गड़बड़ हो जाएगी क्यों गाइस 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 क्योंकि अप्रैल के महीने में वो बंदे ने सिर्फ 29 डेज काम किया बराबर तो उसको वो पूरे एक महीने को लेना नहीं था तो देखो लॉजिकली हमको क्या करना था अब देखो मैंने यहां पे क्या कैलकुलेशन किया है

वो गड़बड़ हो गई होगी और वो सेम डेटा चलेगा पर मंथ वाइज अगेन ये मेरा सजेस्टेड आंसर है बट एज पर गिवन इंफॉर्मेशन बराबर यही कैलकुलेशन होना चाहिए ओ, oh, तो सब लोग ने इंटू ट्वेल्व किया होगा गड़बड़ हो गई होगी नाउ फाइन 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 टेक केयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है इस बार डीएनएस अलावन सिक्सटी थाउजेंड फुल्ली टैक्सेबल होगा में ना जाए अप्रैल मंथ के लिए मैंने अगेन सिक्सटी थाउजेंड

नेक्स्ट बोनस बोनस में देखो क्या लिखा है टू मंथ्स बेसिक सैलरी प्लस डीए टू बेसिक सैलरी प्लस डी है अब दो महीने की सैलरी और डीए करेंगे दो महीने का Now, तो काउजेंड इंटू टू किया है ताकि टू तो मंथ्स का बेसिक सैलरी आ जाए और सिक्सटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करना है तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व सॉरी इंटू टू हम्म hmm, वहां पे लिखा है, में तो गड़बड़ नहीं है एक बार देख लेते हैं इन टू इट्स टू लैखी फोर था सैलरी थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नो गाइज यहाँ पे एक जीरो डालना टाइपिंग एरर है बट टोटल इज करेक्ट थ्री लैख सिक्सटी फोर उसको बोनस मिला है एक्सेबल हो जाएगा क्लब मेंबरशिप फीस टैक्सेबल हो जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ गाइस 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 कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का एटीआर एनटीआर से कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है बराबर लिखा है क्वेश्चन में फिफ्टीन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी है बराबर तो हम लोग ने पहले फिफ्टीन इनकम कैलकुलेट करी और फिर बाद में टेंथ ट्वेल्व में ट्वेल्व का एग्जामेशन लिया है सिक्सटी टैक्सेबल होगा थ्री

अब ये दोनों बच्चों की मिला के वन लाख ट्वेंटी फोर है क्योंकि ना okay. और दूसरा चीज अब इसमें से हम पहले पर पर टू क्या करेंगे एक्षम्षन लेंगे एक्षम्षन लेंगे और जितना अमाउंट रीपे किया एम्प्लॉय ने उतना माइनस करेंगे तो लॉजिकली आपको जो टैक्सेबल आएगा वो फिफ्टी थाउजेंड आएगा ओ समझा ऑल ऑफ यू यस कुछ uh, में आप लोग को दिया जाएगा कि आप ट्वेंटी फोर थाउजेंड का एग्जम्शन नहीं लेते हैं वो भी स्कीम है लेकिन दोनों मेथड्स करेक्ट हैं बट हम एग्जाम ले लेंगे और में एक नोट लिख देंगे कि एक्जम्शन नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा ओके नाउ देन अमाउंट रिपेड आपको ये सब करने के बाद आपको कैलकुलेशन में आ जाता है ग्रॉस सैलरी तो माई ग्रॉस सैलरी इज थर्टी लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर हाईलाइट कर देता हूं दिस इज माय 30 लाख 54204 इज अ ग्रॉस सैलरी इसमें से एटीआर में सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउड है सैनी डिडक्शन ये बाय डिफॉल्ट है आप 50000 का डिडक्शन लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा 30 30 लाख 4204 अगर आपका ये आंसर आया होगा तो ये करेक्ट है ओके वन सी गाइस गजब पूछा था प्रेजेंटेशन कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है मैंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आए अब वन सी में क्या लिखा था कि कि आपको कैलकुलेट करने थे बराबर ओनली ओनली एंड ताकि आप आप और ये पे फॉलो कर रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पैराग्राफ डिडक्शन का बराबर मैंने इसको सीक्वेंस में ले लिया है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि सेक्शन 24 में 2 लाख तक जाएगा क्योंकि हाउस एसओपीआर है तो देखो मैंने थ्री लैख सिक्सटी का डिडक्शन किस तरीके से लिया है सबसे पहले ट्वेंटी फोर बी हाउस प्रॉपर्टी में बराबर मैंने टू लैख ,00 का डिडक्शन ले लिया है है ना मैक्सिमम टू लैख ,00 ही होता है टू लैख ,00 का डिडक्शन इसके बाद अब देखो टोटल था थ्री लैख सिक्सटी थ्री लैख सिक्सटी में से मैंने टू लैख कहाँ ले लिया सेक्शन ट्वेंटी फोर में बच गया वन लैख सिक्सटी आउट ऑफ थ्री लैख सिक्सटी वो वन लैख सिक्सटी में ले लेता हूँ

इसके बाद में वहीकल का इंटरेस्ट मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी है इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वन लैख देख रहे हो ये देखो बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है वन लैख फिफ्टी की तो आप वन लैख फिफ्टी लेंगे मतलब टोटल अगर आप इन सारे डिडक्शंस को ऐड करें सिक्स लैख ट्वेंटी टू आएगा अच्छा जी यस yes. और आपको एक नोट लिखना होगा कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी नाइन इन कैश इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन तो so गाइज अगर आप पहला सम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं 15 मार्क्स इन योर हैंड बराबर ओ हो हो डिस्कस करने करने में ठीक है मुझे 30 मिनट्स लग गए ओनली फर्स्ट सम फटाफट चलते हैं आगे नाउ नेक्स्ट सम नंबर टू अगेन इट वाज कंपलसरी क्वेश्चन बट इंटरनल थे बट ऑप्शनल्स कुछ भी नहीं था सेकंड क्वेश्चन वाज आल्सो कंपलसरी ईच क्वेश्चन वाज ऑफ फाइव मार्क्स अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया था बी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो पार्टनरशिप फर्म है इन सब चीजों पे हमेशा ध्यान रखना होता है एज अ स्टूडेंट नाउ विध अ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट इन नोएडा उन्होंने अभी कोई न्यू ब्रांच ओपन करी है इट इंकर्स फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ न्यू नया सेटअप करने के लिए उन्होंने कुछ खर्चे किए हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट थ्री लैख का एक्सपेंस किया है मार्केट सर्वे रिपोर्ट सिक्स लैख नाइन लैख का खर्चा किया है बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको पता है अगर आप लोग थरो हैं इनकम टैक्स से तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हां जी वैसे नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं नीचे आपको हिंट दी गई है नाउ उनका पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40 लाख का है और कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो 45 लाख है बराबर आप देखो क्या लिखा है अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि व्हाट एग्जामिनर वांट मी टू सॉल्व राइट Compute डिडक्शन एडमिसेबल फॉर फॉर्म अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी ha. फाइव एडी को क्लिक हो जाना चाहिए राइट और, right? और वो भी क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए 5 मार्क्स एकदम डायरेक्ट और एकदम इजी. लेकिन अब स्टूडेंट क्या करेंगे मालूम है सीधा सीधा उनको फॉर्मुला याद है बराबर वो लोग अप्लाई करेंगे और आंसर लिख के आ जाएंगे

डिफाइन करना चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लिखा आप रेफर बुक्स आप अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं रेफर बुक्स मैंने लिख दिया है लेकिन इसमें आता है ठीक है आपको सबसे पहले सेक्शन थर्टी फाइव एडी को डिफाइन करना था द टर्म एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंस रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट मार्केट सर्वे रिपोर्ट अरे की ना एक्सपर्ट एंड एंजीनियर्स रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रजिस्ट्रेशन फीस ये सारी चीजें भी, yes, भी आप लिख सकते थे अब क्योंकि बंदा पार्टनरशिप फर्म है इसलिए अगर कंपनी होती तो दो ऑप्शन थे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बाद ठीक है फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड होता राइट right? yes.

डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स का मिलता है म्यूनिस्पल टैक्स फास्ट इट पेड तो है ना ये म्यूनिपल टैक्स में इर डर पेड मैटर इन दोनों का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड करंट ईयर का इंटरेस्ट पेड है और करंट ईयर का इंटरेस्ट नॉट पेड है गाइस इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन ड्यू बेसिस मिलता है तो so पेड़ हो या नॉट पेड हो लेकिन है दोनों कौन से ईयर का करंट ईयर तो दोनों दोनों अलाउड हो जाएंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड था आप लोग को इसको कैसे सॉल्व करना था ना तो देखो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है प्रॉपर प्रेजेंट भी कैसे करना है

से आप माइनस करेंगे टैक्स पेड़ सेवन और सिर्फ पेड़ वाला देखो अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये थर्टी और वन लाख ट्वेंटी नहीं कंसिडर किया है क्योंकि वो ड्यू है ना पेड नहीं है आपको फिर एनएवी मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड ही हमेशा एनएवी का बाई डिफॉल्ट है थर्टी परसेंट ऑफ एन आपको ये दोनों फिगर आ जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन देखो मैंने टोटल ली है तो जब आप ये सब कैलकुलेशन करोगे आपको हाउस प्रॉपर्टी वन से लॉस आया होगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड और हाउस टू से इनकम आई होगी फिफ्टी थाउजेंड फाइव फिफ्टी बट गाइज हाउस टू में इनकम है और हाउस वन में लॉस है तो लॉस है तो इंटर हेड सेट ऑफ मिलेगा इंट्रा हेड सेट ऑफ तो हम लोग ने ये लॉस इसकी इनकम से माइनस करके फाइनल आंसर निकाला फिफ्टीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी देर इज अ लॉस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओ अरे समझा ऑल ऑफ यू तो अगर आप लोग ये फाइनल आंसर लिख के आते हैं तो आपके लिए पांच मार्क्स इजी था कोई डिफिकल्ट नहीं था सम नंबर टू सी सम नंबर टू सी क्या है क्या है क्या है ना देखो जरा ओहो पैराग्राफ देख के तो बराबर है टेंशन हो जाती है ना देखते हैं एज ए स्टूडेंट क्या लिखा है आ जाओ फटाफट नाउ गीत एंड जीत आर द टू माइनर सन ऑफ राघव एंड रिया बिजनेस इनकम ऑफ राघव इज थ्री राघव की बिजनेस इनकम है थ्री लैख फोर्टी जो तो टैक्सेबल है राघव को सैलरी इनकम ऑफ रिया टू लैख फिफ्टी रिया जॉब करती है तो टू लैख फिफ्टी रिया को टैक्सेबल होगा मुझे नहीं पता अभी तक क्या सॉल्व करना है जैसे आपने फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू किया मैंने भी किया एज ए स्टूडेंट थोड़ा एग्जाम की फीलिंग लो यार इनकम ऑफ़ गीत एंड जीत फ्रॉम स्टेज एक्टिंग अब आपको एक चीज का अंदाज़ा बैठा होगा जब लिखा होगा एक चीज का अंदाज़ा बैठ जाना चाहिए स्टेज एक्टिंग से कमाया है तो ये

इंटरेस्ट विदाउट एफर्ट्स इनकम है ये टैक्सेबल होंगे लेकिन ये क्लबिंग भी होंगे मैं टी और सी दोनों लिख रहा हूँ टैक्सेबल बट क्लबिंग सो क्लबिंग किसके साथ होगी राघव या रिया गाइस दोनों मदर एंड फादर है रूल्स के हिसाब से जिसकी कंपैरेटिवली इनकम हायर होगी उसके साथ क्लब होगी राइट देखेंगे कीतनजीत आल्सो हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग बर्थडे गिफ्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22 23

ठीक है तो मालूम है क्लबिंग करने से पहले पेरेंट्स को बच्चों की इनकम में से फिफ्टी रुपीज पर एन पर चाइल्ड का मिलता है अंडर सेक्शन टेन थर्टी टू वो नहीं मिलेगा लेकिन एन है तो अब मिल जाएगा ऑल्टरनेटिव टैक्स अजीम होता तो नहीं मिलता फ्रेंड्स इसका मतलब चारों की टोटल इनकम निकालनी है राइट तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये रहा आपके लिए ने पूरा का पूरा रेडीमेड सोल्यूशन कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम राघव रिया गीत एंड जीत बराबर अब देखो राघव की बिजनेस इनकम इनकम राघव को खुद टैक्सेबल होगा सैलरी टू लैख फिफ्टी राइट स्टेज एक्टिंग से जो कमाया गीत ने और जीत ने वो खुद गीत और जीत टैक्स भरेंगे यस इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट अब ये इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट है तो देखो 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 राघव की सॉरी गीत की इनकम 40,000 है लेकिन 40,000 में से फिफ्टी 50, 1500 क्या मिलेगा एग्जेम्ट राइट हाँ तो बोलो हाँ और जीत की इनकम कितनी थी थाउजेंड थाउजेंड में से थाउजेंड क्या हो जाएगा एग्जेम तो जीत की इनकम जीरो हो गई 38,500 ही क्लबिंग होगा ये क्लबिंग है क्लबिंग बराबर गिफ्ट रिसीव्ड बाय गीत फ्रॉम रियाज फ्रेंड गाइस 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 गिफ्ट मिला है गीत को लेकिन ये एफर्टलेस इनकम है राइट तो टैक्सेबल होगा लेकिन राघव के साथ ऐड होगा उसके फादर को क्लब होगा अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है सर आपने फिफ्टी हंड्रेड रुपीज का एग्जाम्शन क्यों नहीं लिया गाइज गीत का ऑलरेडी एग्जाम्शन फिफ्टी हंड्रेड ले चुके हैं बराबर है तो एक बच्चे को एक ही एक ही साल में पंद्रह सौ रुपए का एग्जाम पर एनम पर चाइल्ड है राइट पर इनकम नहीं है

Yes. Second C. तो ये हुआ अपना सेकेंड सम भी ओवर मतलब टोटल हमने थर्टी मार्क्स का पेपर डिस्कस कर लिया है अब आ जाओ थर्ड थर्ड में ए बी और सी तीन क्वेश्चन और मतलब अगेन सम नंबर थ्री कंपलसरी क्वेश्चन था और फिफ्टीन मार्क बराबर पेपर पैटर्न बहुत क्लियर है गाइस चार क्वेश्चन पंद्रह पंद्रह मार्क्स के टोटल हो गए सिक्सटी है ना और ऑप्शन है ही नहीं

बराबर सेक्शन करो कि उन्होंने 115 BAC में नहीं किया मतलब NTR को दिमाग में रखना है सर अगर ए टी आर होता तो क्या ही हो जाता ए टी आर होता तो ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेस का डिडक्शन नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में इंटरहेड सेट ऑफ अलाउड नहीं है राइट लेकिन एन टी आर है कोई टेंशन नहीं है बराबर नाउ अंडरस्टैंड दिस अब ये क्वेश्चन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें ना देखें ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन जरूर देखें क्योंकि गाइज अगर ये क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस करें बाद में मेरा सोल्यूशन देखें ये बेटर रहेगा आपके लिए ओके नाउ लिसन 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 क्वेश्चन नंबर वन सॉरी पॉइंट नंबर वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ओहो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स बराबर In with 11, 9 है है, टैक्सेबल लेकिन है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ,00 के ऊपर नो टैक्स आता है, दिमाग में रखिएगा बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक फिक्स डिपॉजिट तो मेरे दिमाग में है कि यह कैपिटल गेन है बराबर और ये टैक्सेबल है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट गाइस इंटरेस्ट इनकम है यह भी टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्स में जाकर इनकम फ्राम अदर सोर्स एज ए स्टूडेंट ऐसा ही सोचना है लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस ओ हो पीजीबीपी है इंटर भी अलाउड है और स्टेप थ्री कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है लेकिन एट लैक सेवेंटी हजार देखेंगे स्पेकुलेशन प्रॉफिट चलो ये भी पीजीबीपी है राइट right?

और इस साल पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हुआ है तो लॉस है तो आपका दिमाग बोलेगा सेट ऑफ होगा बट ये सेट ऑफ नहीं होगा निशा को इंडिविजुअली क्योंकि ये लॉस पार्टनरशिप को ही अलाउड है इंडिविजुअल को सेट ऑफ लेना अलाउड नहीं है ठीक है तो इसके लिए हम नोट लिखेंगे सैलरी रिसीव एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म यस सैलरी मिलना पार्टनरशिप फॉर्म से पीजीपीपी है इट इज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा ब्रॉड फॉरवर्ड ओ हो 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 ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड लॉस है लेकिन करंट ईयर का नहीं है पिछले साल का लेकर आया है बराबर तो इसे हम लोग लेंगे सेट ऑफ और सर यह किस माइनस होगा ओनली फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम ही माइनस हो सकता है ठीक है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक है ट्रिपल वन ए लास्ट ईयर का है इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है ये भी लॉस है ये भी सेट ऑफ होगा लेकिन गाइस कैपिटल गेन से सेट है ना ओ हो 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 ध्यान से अब देखो आप लोग शुरू कैसे करोगे पढ़ तो लिया है और मालूम है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरी इनकम्स को मिक्स करी है बेटर होगा आप हेड्स वाइज जाए वैसे मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को सजेस्ट किया है हमेशा हेड वाइज ही कैलकुलेट करना चाहिए तो देखो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैंने आपके लिए पूरा सम सॉल्व किया

पीजीबीपी में मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम है और शुगर बिजनेस का लॉस है तो शुगर बिजनेस का लॉस मैं टू लैख फोर्टी जितना पीजीबीपी से माइनस कर सकता हूँ स्पेकुलेशन से इंट्रा हेड सेट ऑफ कहेंगे इसे बराबर तो देखो सबसे पहले मैंने टू लैख फोर्टी थाउजेंड लेस ले लिया है हाँ की ना तो बाहर चला गया जीरो मतलब स्पेक्युलेशन बिजनेस का प्रॉफिट जीरो हो चुका है राइट right? यस yes. उसके बाद में एक और अभी तक और भी शुगर बिजनेस का लॉस बाकी है. लेकिन एक और पीजीबीपी है एंट्री बराबर ना अब इसके बाद आप लोग लेंगे एक और पीजीपी इनकम है सेवन पॉइंट पीजीबीपी सिक्सटी थाउजेंड तो कहने से ये एट लैक सेवेंटी में से थोड़ा प्रॉफिट इसमें से भी माइनस कर लेंगे यस yes, तो देखो ये भी इंटर इंटरा हेड सेट ऑफ है देखो मैंने प्रॉफिट लिखा सिक्सटी थाउजेंड और उसमें अब मेरे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन का कोई प्रॉफिट बचा नहीं है लेकिन मैंने टोटल अभी तक शुगर बिजनेस का थ्री लाख माइनस कर लिया है एट लाख सेवेंटी में से थ्री लाख माइनस हो चुका है मतलब फाइव लाख सेवेंटी अभी भी बाकी है बाजू में लिख के रखता हूं अब सर इंटर हेड तो खत्म हो गया खुद के हेड की इनकम इंट्रा हेड तो अब क्या लेंगे अब इंटर हेड लेंगे मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस कैपिटल गेन से भी जा सकता है नॉर्मल बिजनेस लॉस है ना जा सकता है लेकिन अब ये क्या होगा इंटर हेड सेट ऑफ होगा तो किस किसमें से माइनस होगा लटक जी से माइनस होगा बराबर लेकिन गाइज आई हैव अदर सोर्स इनकम ऑल्सो तो मैंने क्या किया है नाउ अब ये सब प्लानिंग के दिमाग में रखने लायक है बट सुनो अब मुझे एक चीज और पता थी कि अदर्स उसमें इंटरेस्ट इनकम भी है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तो मैं PGPP का लॉस इससे भी माइनस तो कहा जाता है इट इज बराबर नाउ वेरी अब चाहो तो फाइव लेक से पूरा का पूरा कैपिटल गेन से माइनस कर सकते हो लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस ऐसे चलती है कि आप सेट ऑफ पहले रेट वाली इनकम से लो यस तो इंटरेस्ट इनकम है अदर सोर्स में इसलिए मैं वहां से भी एग्जाम ले लूंगा बट हम पहले चलेंगे कैपिटल गेन की तरफ अब देखो मैंने दूसरा हेड लिखा है yes, क्या माइनस किया है रूल्स कहता है सबसे पहले आप इंट्रा हेड सेट ऑफ माइनस करेंगे मतलब खुद के हेड का लॉस कैपिटल गेन में करंट ईयर का कोई लॉस नहीं है सर है ना क्या बात कर रहे हो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना ये पिछले साल का है कैरी फॉरवर्ड हमेशा सबसे लास्ट में होता है पहले इंट्रा लेंगे फिर इंटर लेंगे फिर प्रॉफिट बचा तो कैरी फॉरवर्ड लेंगे राइट right? यस yes. और ये रूल है आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते तो अब सबसे पहले मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इंट्रा था नहीं तो मैंने पहले शुगर बिजनेस का लॉस माइनस किया क्योंकि सबसे पहले हमेशा इंटर लिया जाता है इंट्रा के बाद इंटर अब मैंने कितना लॉस माइनस किया देखो फोर लैख नाइंटी सेवन क्यों? क्योंकि सर बट लॉस तो फाइव लैख सेवेंटी था हाँ मैंने सेवनटी थ्री थाउजेंड का लॉस फिक्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट से माइनस की पक्का यस सर नो 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 अब मैंने फोर्टी नाइन फोर लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड माइनस किया इनकम नाइन लैख नाइन फाइव है अभी प्रॉफिट बचा है अब इंट्रा हो गया इंटर हो गया अब मैं जाऊंगा कैरी फॉरवर्ड के लिए तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर मैं टू लैख थर्टी का भी लॉस ले लिया बराबर मैंने लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस भी ले लिया मैंने लॉन्ग टर्म की भी एंट्री मार दी हाँ की ना यस तो अब मैंने टू लैख थर्टी ले लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इसके बाद एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इक्विटी और है प्रॉफिट बचा था मैंने ये भी ले लिया 25,000 ये सब माइनस करने के बाद मेरा कैपिटल गेन बच गया 2,43 हेलो कैपिटल गेन कितना बचा 2 लाख 43000 का कैपिटल गेन बच गया अरे हाँ कि ना यस अब आ जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो देखो सेवेंटी थ्री थाउजेंड लिया मैंने और शुगर बिजनेस का लॉस माइनस किया जीरो हो गया अब देखो लॉटरी इनकम लॉटरी इनकम सेवेंटी फाइव थाउजेंड है, है ना बट ये नेट है तो आपको इसको ऐड करना होगा तो आप नेट प्लस टीडीएस एड करेंगे लॉजिकली नेट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड हेलो uh, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे सेवेंटी फाइव थाउजेंड और इसमें थर्टी परसेंट टी डी एस है so, right, right. यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है अब मैं आपको नेट यहाँ बता देता हूँ जब नेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड है तो आपको टीडीएस एड करना है बराबर थर्टी परसेंट आप उसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको टीडीएस का अमाउंट थर्टी परसेंट एड करना जरूरी है तो नेट क्या हो गया सेवेंटी राइट सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन थर्टी डिवाइड सेवेंटी थर्टी टू वन फोर्टी थ्री आएगा और जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको वन लैख सेवन थाउजेंड वन फोर्टी थ्री का फिगर में 17143 तो आप नेट में टीडीएस ऐड करेंगे और बाहर ग्रॉस टैक्सेबल होगा यस बराबर आपने ये सारी चीजें देखी शो नाउ अब एक और चीज सुनो 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 क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन 112ए वन था तो 1 लाख तक नो टैक्स होता है राइट हाँ की ना अरे हेलो तो आप यहां से एक नो टैक्स वन लैख माइनस करेंगे नो टैक्स ऑन लटक जी अंडर सेक्शन वन 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 लैक नो टैक्स तो लॉजिकली ये हो जाएगा वन लैख फोर्टी थ्री बराबर तो वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड प्लस वन लैख सेवन थाउजेंड

लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप विल नॉट बी अलाउड फॉर सेट ऑफ फ्रेंड्स सच ही कह रहा हूं आपके लिए नोट बेस्ट है सॉल्व पेपर है रेफर करो थर्ड बी ओहो हो देखिए गाइज थर्ड बी भी गजब का कंसेप्ट था अगेन सेट ऑफ एंड कैरी फोर्ड को लेकर तभी तो मैंने लिखा है सेट ऑफ कैरी फोर्ड टेन मार्क्स के लिए आए देखो क्या लिखा है

और रेमुनरेशन दे रहे हैं 55000 का मतलब अपने आपको सैलरी दे रहे हैं ठीक है टू तो सुनील एंड 45000 पर मंथ टू तो मूर्ति दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सैलरी इनकम भी, पार्टनरशिप फॉर्म से ले रहे हैं द फॉर्म इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 23 द नेट प्रॉफिट बराबर बिफोर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कितना है 25 लाख 36000 बिफोर बिफोर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेवीन टू पार्ट अभी तक एंड प्रॉफिट तीन चीजों को माइनस करने से पहले का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेविन्य क्या दिया है तो पढ़ते हैं करंट ईयर रेवन्यू एक्सपेंडिचर तो पहले माइनस करना होगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ एटीन नाइन बराबर थर्टी टू थाउजेंड ठीक है अब ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल बिजनेस लॉस है आठ साल तक कैरी करीफोर्ड कर सकते हैं ये पेपर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का था बराबर आठ साल हो नहीं रहे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर भी कंसिडर करोगे तो एट साल हो नहीं रहे तो हम लोग को इसको ब्रॉड फॉरवर्ड को माइनस करना पड़ेगा लेकिन ये मेरे लिए स्टेप थ्री होगा बिजनेस इनकम से ही माइनस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ फोर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ना ए वाई फोर्टीन फिफ्टीन थर्टीन फोर्टीन से आया होगा थर्टीन फोर्टीन से फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 8 आठ साल देखने पड़ेंगे सिक्सटीन 17, 17, 18, सेवेंटीन एटीन वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री 14 तो करंट ईयर है वन टू थ्री एटीन नाइनटीन फाइव नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एट मतलब ये लैप्स हो चुका है ये आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा ठीक है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा देखो, मैंने नोट लिखा है। सर, ऐसे देखना है? Yes, ये इग्नोर हो हो जाएगा। ऑलरेडी चुका। ना तो देखने की जरूरत नहीं infinite years है। ये माइनस करना होगा बट ये मेरे लिए स्टेप अनएब्सॉर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च 1920 का ये भी मेरे लिए स्टेप थ्री होगा <laughs> सब पिछले साल का है सब स्टेप थ्री है करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च ये मेरे लिए करंट ईयर में पहले जाएगा तो तो ये लिए स्टेप वन है, ये लिए स्टेप वन है. ये मेरे 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 लिए 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 है But so guys, है है आप को ब्रॉड फॉरवर्ड सारी चीजें दी हैं आपको अरेंज करना है करना क्या यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एस एम सर्विस अरे बराबर फॉर द्वेंटी थ्री ट्वेंटी आप लोग को टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है सिर्फ लाइबिलिटी नहीं सॉरी एडजस्टमेंट्स है सबसे पहले तो तो तो, आपको business का net profit निकालना होगा, तो कैसे solve करेंगे? हाँ, यही तो, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे नेम ऑफ एस एसएम सर्विस प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बिजनेस एंड प्रोफेशन सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे ट्वेंटी फाइव लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड वो कहां दिया है सर सब में दिया है देखो इसके बाद आप सबसे पहले तो माइनस करेंगे लेस बिजनेस रिलेटेड डिडक्शन पहले करंट के खर्चे माइनस हो होंगे बराबर तो सबसे पहले माइनस होगा करंट का डेप्रिसिएशन हालांकि डेप्रिशन का नंबर सेकंड पे आता है पहले इसमें से कुछ भी माइनस कर सकते थे बिकॉज प्रॉफिट बहुत सारा था तो आपने करंट ईयर का डेप्रिश माइनस किया बराबर करंट ईयर का डेप्रिशिएशन कहाँ है मैं हाईलाइट करते जाता हूँ आपको एग्जाम में टिक मार्क करना होगा तो, तो आप कन्फ्यूज जाओगे थ्री लैख सेवेंटी टू देख लो बराबर है फिर मैंने करंट ईयर का साइंटिफिक एक्सपेंडिचर माइनस किया है फोर लेख ट्वेंटी फाइव एंड टू लैख ट्वेंटी क्योंकि करंट ईयर हमेशा सबसे पहले आएंगे करंट ईयर फोर लैख ट्वेंटी फाइव और करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू लैख ट्वेंटी ये सब माइनस किए बराबर? ना उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप 40 बी जानते हो तो एज पर सेक्शन 40 बी सेक्शन 40 बी सिर्फ मैक्सिमम 12% परसेंट तक एप्लीकेबल होता है बराबर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 15% परसेंट हम 15% ले नहीं पाएंगे क्योंकि 12% इज मैक्स तो और 18 लाख सबका कैपिटल है तो आप 18 लाख का 12% दोनों को क्या करोगे माइनस तब जाके आपको बुक प्रॉफिट आया है सर बुक प्रॉफिट क्यों निकाला नेट प्रॉफिट निकालना था क्योंकि एक खर्चा बाकी है रेमुनरेशन टू पार्टनर और वो बुक प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट होता है तो आपका बुक प्रॉफिट कितना आया ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 1087000 बराबर जिसको नहीं पता है फोर्टी बी देख लो जरा पांच माह का क्वेश्चन खाली फोर्टी बी पे आया है यार सुनील एंड मूर्ति बराबर अब मैंने इसके लिए वर्किंग नोट बनाया है आप लोगों को याद होगा तो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस ना पहले थ्री लाख का 90 परसेंट ये देखो वर्किंग ये रहा बुक प्रॉफिट कितना है है हाँ की ना तो फर्स्ट थ्री लैख का नाइनटी तो टू आ गया मुझे और बैलेंस

बराबर तो रेशो जब ये बना तो फोर लैख एट थाउजेंड टू हंड्रेड टेन एंड थ्री लैख थर्टी थ्री नाइन नाइनटी विल बाइफरकेशन जो मैं वहां से क्या करूंगा माइनस हालांकि बाइफर्केशन नहीं भी करते तो चल जाता लेकिन देखो मैंने माइनस किया माइनस अरे हाँ की ना यस ठीक है ना इसके बाद मुझे मिला नेट प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट के बाद सबसे पहले मैंने लिया ब्रॉड फॉरवर्ड देखो अब स्टेप थ्री ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस थर्टी टू थाउजेंड 58 और और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेवेंटी फाइव तो मुझे टोटल इनकम का आंसर आया सेवन लैक नाइनटी ये आंसर आना चाहिए कैलकुलेशंस आपको करने होंगे दिस इज योर आंसर गाई इसके ऊपर आपको पांच मार्क्स थे ऐसा तो प्रेजेंट करना है ऑब्वियसली और कैसे करोगे बताओ चलो थ्री सी बाप रे थ्री सी ये तो गजब का क्वेश्चन था यार <laughs> बहुत लेंथी पेपर राजेंद्र एज फोर्टी सेवन ईयर्स रेसिडेंट इंडिविजुअल एंगेज इन रिटेल बिजनेस बिजनेसमैन है ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फर्निशेस द फॉलोइंग इनकम ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री

क्या बात कर रहे हो हाँ तो जिन्होंने एग्जाम में क्योंकि एल सिर्फ आप खुद का खुद के स्पाउस का खुद के बच्चों का पे कर सकते हो तो आपको है लेकिन फादर का डक्शन नहीं है मदर फादर का नहीं है तो गुगली छोटी सी चीज पे ठीक है नॉट अलाउड है इंटरेस्ट रिस्यूड ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये अदर सोर्स में जाता है लेकिन ये एग्जेम है एग्जेम अंडर सेक्शन टेन इलेवन इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट कई सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन उसके बाद 47 इयर्स का डिडक्शन है टोटल उसमें से इग्नोर है चार ट्रांजेक्शन पता नहीं पूछना क्या चाहते हैं आओ देखें

ये रहा सॉल्यूशन। ना देखो 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 कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अरे यार सर सॉल्यूशन देख के ही मेरा जिया उलझा जाए। जाएज <laughs> टैक्स के पेपर ने ये प्रूफ कर दिया है कि प्रैक्टिस नीडेड, प्रैक्टिस नीडेड। बराबर नाओ नेम ऑफ एस राजेंद्र सबसे पहले मैंने लिखा है ऑप्शन वन आपको ये लिखना होगा कि हम एक ही को दो बार सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल है। में सारे डिडक्शन मिलते हैं देखो पीपीएफ एग्जैमट है जीरो बैंक अकाउंट को पहले टैक्सेबल किया है तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आया है ए टी सी का 1 ,30 लिया है मैक्सिमम डिडक्शन एटीसी का ले और और कैलकुलेट तो करना है तो मैंने देखो आपके लिए के रखी है, से जाएंगे आप बराबर टू लैख फिफ्टी का स्लैब होगा तो पहले टेन लाख पे वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइन हंड्रेड का टैक्स आएगा और बाकी के थ्री लाख नाइन टू पे थर्टी परसेंट वन लाख सेवन थाउजेंड सिक्स टोटल हो गया टैक्स टू लैख थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड का अब क्या रिबेट मिलेगा नो no, क्योंकि एन टी आर है। फाइव लाख सरचार्ज लगेगा नो इनकम फिफ्टी लैख से कम है एंड एजुकेशन से आप कर देंगे राउंड ऑफ अब क्या कर देंगे राउंड ऑफ टू लैख थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड आंसर हो टैक्स आएगा टू राउंड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ टेन रुपीज ना बराबर ये हुआ ऑप्शन टू पे, सेम क्वेश्चन तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बावीस हजार आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा बराबर है जीटीआई मिल गया yes, 15, 32. अब देखो क्या लिखा मैंने नो no डिडक्शन अरे क्योंकि section 80 में allowed ही नहीं है ना, yes. तो नेट टोटल इनकम कितना है 15 लैख 32. अब आपको इसके ऊपर क्या कैलकुलेशन करना था टैक्स का कैलकुलेशन करना था तो ये देखो ए के मैंने थ्री थ्री लैख वाले स्लैब लगाए <laughs> आपको आंसर आएगा 1 lakh 59,600। तो हमने यहाँ पे 1 lakh 59,600 लिया है। बराबर। इसमें रिबेट मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकम 7 लाख के ऊपर है। सरचार्ज लगेगा नहीं, इनकम 50 लाख से कम है। सीधा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 984। राउंड ऑफ किया 1 lakh 65,980। बराबर। इन द मल्टीपल ऑफ 10 रुपीस राउंड ऑफ करना होता है ना? यस yes, तो आपको दोनों का आंसर आ गए यस yes. अब आपको सजेशन देना था आंसर इसके ऊपर तो अगर आप एटीआर से जाते हो तो यू आर लाइबल टू पे द टैक्स वन लैख सिक्सटी फाइव नाइन एटी एन टी आर से जाते हो तो टू लैख थर्टी नाइन ऑब्वियसली हम अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे ए टी आर से जाओ देखो मिस्टर राजेंद्र शुड ऑफ फॉर ऑल्टरनेटिव टैक्स अंडर बी एस सी एंड शुड पे टैक्स नाइन एटी फोर नाइन एटी फोर मतलब थोरी like के साथ प्रैक्टिकल क्या बात कर रहे हो हाँ गाइज थियोरी के साथ प्रैक्टिकल था क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर ए फिफ्टीन मार्क्स के लिए

मोस्टली सेक्शन 80 का रेफरेंस देना था इसमें सेक्शन 80 कहता है कि आप लोग को रिटर्न करनी थी के भी कोई भी करने को नहीं मिलता लेकिन दो लॉसेस फिर भी कैरीफोट करने को मिलते हैं is, as well as तो आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना था फाइव मार्क्स के लिए तो देखो मैंने फटाफट पूरा प्रिंटेड फॉर्म है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर का ए हाउ टू फाइल है रिटर्न मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हैं आप इसे रीड कर सकते हैं सबसे पहले आपको रिटर्न ऑफ लॉस को एक्सप्लेन करना था बराबर और उनकी ड्यूडेट्स लिखनी थी फाइव मार्क्स के लिए तो लिखना ही पड़ेगा बराबर और वाई टू फाइल में मैंने लिखा है इनकेस ऑफ कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म रेसिडेंशियलो रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी मैंने चार पॉइंट लिखे हैं और अदर एसी के लिए रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी नहीं है एज पर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन

रॉयल्टी इनकम वगैरह सब लिख के रखी है यू कैन रेफर इट वन बी तो आप इसे रीड कर लीजिएगा मैं अब इसको रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थियोरी है मुझे कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करने थे ना इस तरीके से आपको डीम टू बी रिसीव एन अक्रूड इंडिया को एक्सप्लेन करना था के लिए. तो देखो मैंने इंटरेस्ट भी लिख दिया है रॉयल्टी इनकम भी लिखी है रॉयल्टी के डेफिनेशन है और टेक्निकल सर्विस भी लिखा राइट right? आपको पूरा का पूरा तीनों एक्सप्लेन करना था तो ये भी थियोटिकल क्वेश्चन था लेकिन फाइलिंग पे क्वेश्चन था और ये दीपक फर्नीचर रिटर्न ऑफ इनकम एक और रिटर्न का क्वेश्चन इससे मैंने कहा ना रिटर्न फाइलिंग दो मार्क्स के टेन मार्क्स के लिए आया था ये देखो ये रिटर्न ऑफ लॉस के ऊपर क्वेश्चन था और ये डिफेक्टिव रिटर्न पे क्वेश्चन है दीपक फर्नीचर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर on 22nd july 23 due to missing information payment of tax in return of income assessee officer considering defective अब क्या लिखा what are the consequences of defect if not rectified and specify the remedies आपको पूरा defective returns को फाइल बराबर explain करना था कि defective return अगर हो जाए तो आप लोगों ने defective return पढ़ा भी होगा दिस इज द आंसर सबसे पहले आपको यह बताना था कि रिटर्न डिफेक्टिव कब हो जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं करते हो सेक्शन को आपको डिफाइन इंटीमेट करेगा और आपको 15 की अंदर क्या करना है तो देखो, लिमिट और इफेक्ट अगर आप पंद्रह दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई नहीं करते हो तो आपके रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा लिटरली उन्होंने आपको ये पूरी की पूरी चीज लिखनी है तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं ठीक है Defective Returns की। ये था था। के तीन अब फोर ए, फोर ए कैलकुलेटिव थ्योरी नहीं आती वो कैलकुलेशंस पे आ जाओ और गाइस, गजब के क्वेश्चन थे, के थे. Next था, आया। देखो। जो से थरो नहीं था ना टीडीएस में बैंड बजे होंगे उनकी

क्योंकि पेमेंट मेड अ कंपनी है तो पेयर कंपनी है तो 194 एम नहीं आएगा 194 ही आएगा थ्री लैख फिफ्टी का पेमेंट किया है तो थ्री लैख फिफ्टी पे 194 नाइन सी और शांति लाल इंडिविजुअल आपको याद होगा कहता है अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है तो वन परसेंट टीडीएस करता है वह पर तो सर इनको प्रेजेंट कैसे करना था ये देखो प्रेजेंटेशन में आपको बता दू ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर ए वन

टोटल 5 लाख like का 1% 5000 आएगा ओ oh! भी देखो फीस पेड ऑन फर्स्ट जनवरी 23 टू डॉक्टर भवंत बाय किशन एचओएफ 40000 फॉर सर्जरी परफॉर्म बाय ऑन अ फैमिली मेंबर गाइस इसके ऊपर टीडीएस आएगा ही नहीं डॉक्टर को आपने फीस पे करी है बराबर कुछ लोग सोचेंगे ये प्रोफेशनल फीस है 194 जे लग जाए 194 जे नहीं लगेगा क्योंकि एचओएफ है तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि वन एम लग जाए पचास लाख के ऊपर लगता है तो ये भी नहीं लगेगा ऊपर से ये पर्सनल फीस है यार इसमें तुम कंज्यूमर हो बराबर तो देखो इसमें वन जे मैंने लिखा तो है पर नो टी डी डिडक्शन लिखा है एक ट्रांजेक्शन एक मार्क का है नो टीडीएस डिडक्शन फैमिली मेंबर को डॉक्टर को दिखाया है यार चालीस हजार का पेमेंट किया है बराबर 194 जे तो तुमको एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि 194 जे खाली उन्हीं इंडिविजुअल एचएफ को एप्लीकेबल है जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है अब 194 एम पे चले जाएंगे 194 एम भी एप्लीकेबल नहीं होता पेमेंट 50 लाख के ऊपर होना चाहिए ये तो 40000 का पेमेंट है तो नो टीडीएस एप्लीकेबल ये तो सब कहां पड़ा टीडीएस चैप्टर में नाउ थर्ड देखो धनपाल विशेस टू परचेस अ रेसिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग 60 लाख फ्रॉम प्रिया द हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई बोथ द बायर एज वेल एज सेलर आर रेजिडेंट इन इंडिया धनपाल ने 60 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी खरीदा है प्रिया से प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर की खरीदी गई है गाइस टीडीएस का कौन सा सेक्शन लगेगा आईए परचेस ऑफ रेसिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग 60 लाख आप लोगों ने आईए पढ़ा होगा टीडीएस का 194 आईए अगर 50 लाख के ऊपर का डील करते हैं तो बायर अपने सेलर का टीडीएस काटेगा 60 लाख का 1% 60000 का टीडीएस कटेगा 1% टीडीएस रेट

मतलब वो इंडिविजुअल हो के उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 44 एबी हाँ कि ना उसने कोल्ड स्टोरेज वालों को 5 लाख का पेमेंट किया है रेंट उनका कोल्ड चेन फैसिलिटी है ओ तो रेंट पे कौन सा सेक्शन लगेगा 194 आई 194 आई लगेगा और कोल्ड स्टोर्ड स्टोरेज चेन फैसिलिटी पे 10% आ जाएगा 5 लाख का 10% 15000 टीडीएस काटा जाएगा

बराबर ना रवि सैलरीड बंदा है मतलब उसकी बुक्स को ऑडिट नहीं होती इंडिविजुअल है मतलब रेंट बोल के 194 आई तो नहीं लगेगा 194 आई भी लगेगा और 194 आईबी में 50000 पर मंथ का अगर ऊपर का रेंट पे करते हैं तो टीडीएस काट सकते हैं तो 65000 पर मंथ का रेंट है टीडीएस कटेगा बराबर लेकिन राजीव ने पैन फर्निश्ड नहीं किया ओ तो आपने ये भी कांसेप्ट पढ़ा होगा अगर पेई पैन ना दे तो नॉर्मल टैक्स और 20% whichever is higher का TDS काटना होता है यस yes, ये देखो रेंट पेड़ टू राजीव 65000 फॉर राजीव इन फर्निश्ड अपैन तो लॉजिकली इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ये जो रेट है वो 5% लेकिन क्योंकि इसने पैन नहीं दिया इसलिए मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 20% ज हायर ट्वेंटी परसेंट टी काटा जाएगा बट अब हुआ क्या नाउ उसने अगस्त से लिया था तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड को अगर तुम एट मंथ से मल्टीप्लाई करो फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड आता है फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट वन लाख फोर थाउजेंड टीडीएस लॉजिकली टीडीएस तो वन लाख फोर थाउजेंड आना चाहिए था बट इनकम टैक्स में लिखा है कि अगर 20% बहुत ज्यादा चला जाए तो मैक्सिमम एक महीने के रेंट के जितना ही टीडीएस काट सकते हैं बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लास्ट मंथ रेंट तो रेंट कितना है 65,000 तो लॉजिकली वन लैख फोर और 65,000 फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर के हिसाब से 65,000 का ही टीडीएस काटा जा सकता है बहुत छोटी सी बात पे फोकस किया एक ही ट्रांजैक्शन में घुमा के रख दिया पैन नहीं दिया तो फाइव ट्वेंटी विच एवर इज हायर फिर पर मंथ रेंट बराबर ना ये पांचों इस तरीके से अगर आप टीडीएस के लॉजिक्स कैलकुलेशन करते हो पांच मार्क्स पांच ट्रांजेक्शन पांच मार्क्स इसके बाद ये है कैपिटल गेन का क्वेश्चन लेकिन पूरा का पूरा मिक्सचर है आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि किया क्या, क्या और ये क्वेश्चन को लिटरली आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा देखो क्या लिखा है अजय अ प्रॉपर्टी डीलर पहली लाइन में गेम कर दी प्रॉपर्टी डीलर है मतलब अजय के लिए इमोबल एसेट्स इज अ गुड्स यस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मुकेश टू सेल द प्लॉट ऑन 6th अप्रैल 2022 फॉर ₹55 लाख 6th अप्रैल 2022 को 55 लाख में अजय ने अपने गुड्स मतलब प्रॉपर्टी मुकेश को बेची तो मुकेश बिकम्स अ बायर अजय इज अ सेलर बराबर नाउ स ट्वेल्व लैक फ्रॉम हेम ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट और ट्वेल्व लैक का मुकेश ने टोकन मनी दे दी बारह लाख रुपए की सिक्स अप्रैल को ही बाई अकाउंट पे चर ट्रांसफर टू प्लेस ऑन ट्वेल्व से ट्रांसफर हुआ बारह सेप्टेंबर को प्रॉपर्टी बाद में दी गई बारह लाख का टोकन दिया था छह अप्रैल को बराबर ठीक है स्टैंप वैल्यूएशन ऑथोरिटी स्टैंडी वैल्यू दी है दो स्टैंडी वैल्यू दी है ऑन द डेट ऑफ अग्रमेंट एंड ऑन दर बताओ कौन सी स्टैंड्यूटी वैल्यू कंसिडर करोगे तो गाइज हम स्टैंड वैल्यू कंसिडर करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर का सॉरी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट का सर क्यों अगर अपने रूल्स पड़े होंगे नाउ कि अगर आप जिस दिन डील करते हो उस दिन टोकन मनी दे दो तो स्टैंडर्डी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट देखी जाती है वो भी टोकन मनी शुड बी गिवन बाय चेक तो उन्होंने 12 लेख का चेक ही तो दिया है यस yes. ठीक है अब देखो ये पूरा जो पैराग्राफ है ना इतना पैराग्राफ इसमें क्लियर कट सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अजय ने मुकेश को प्रॉपर्टी बेची है एट फिफ्टी फाइव इज द सेल प्राइस लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रॉपर्टी बेची उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 59 लाख तो अजय सेलर है अजय को प्रॉफिट आया यस yes. इसको प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाएगा कि पीजीबीपी में जाएगा जाएगा पीजीबीपी पी में क्योंकि अजय के लिए ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता लेकिन सेल प्राइस क्या मानोगे 55 लाख ना आपको सेक्शन 50 सी लगेगा सेक्शन 50 सी कहता है सेल प्राइस 55 लाख और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 59 लाख अगर आपकी सेल प्राइस 55 15 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आप दोनों के बीचों का गैप चेक करोगे 55 लाख प्लस 10% परसेंट, 60 लाख 5000 हो जाता है तो व्हिच इज हायर लेंगे तो आप लोग 55 एक बराबर ले लोगे क्योंकि दोनों के बीच में का 10% से कम का गैप है अरे बराबर ठीक है पर पूछा क्या आई डोंट नो इतना सा पैराग्राफ अजय के लिए अब मुकेश ने तो प्रॉपर्टी खरीद ली यस yes, सर खरीद ली आगे चलते हैं मुकेश है सोल्ड दिस प्लॉट टू दीप्ति ओ हो 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 अब मुकेश तो नॉर्मल बायर था उसने बेचा उसके लिए आएगा कैपिटल गेन अगर अजय का पूछा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन

अजय के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन मुकेश के लिए कैपिटल गेन ऑल्सो कंप्यूट कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मुकेश नन ऑफ द पार्टीज अजय मुकेश दीप्ति आर रिलेटेड टू अदर ओके तो देखो इसको प्रेजेंट कैसा करना था पहले टैक्स कॉन्सिक्वेंसिस इन हैंड्स ऑफ अजय बराबर अजय को कैलकुलेशन था तो अजय के लिए अजय इज अ प्रॉपर्टी डीलर सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्लैट विल बी टैक्सेबल इन हिम

का फॉर्मेट आपको पता ही है उसने कैपिटल फिफ्ट सिक्सटी फाइव लैख में बेचा like, क्योंकि तो खरीद बेच तो like प्रॉपर्टी खरीदी टेन लैक इज कैपिटल गेन बहुत छोटा सा सम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना था इजी था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था लास्ट सम उसके बाद आईडीटी डी चालू हो जाता है

चैप्टर नंबर टू में है टाइप्स ऑफ रिसिप्ट आप देख लीजिए ठीक है आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए ट्रांजेक्शन नेचर ऑफ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और रीजन ठीक है मैं यहीं पे बता देता हूं आपको सेम मॉड्यूल से पूरा कॉपी और पेस्ट किया गया सेम कुछ भी नहीं बदला अमाउंट तक नहीं चेंज किया

नहीं हो सकता ये ये है प्रिंटिंग मिस्टेक है ये कॉम्पनेशन अमाउंट रिसीव फॉर प्री प्रीमर्च टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अगर आप कॉम्पनसेशन लेते हो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के लिए कैपिटल रिसिप्ट मानी गई है ठीक है रीजन है कैपिटल रिसिप्ट पेमेंट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी मशीनरी कैपिटल एसेट होता है कैपिटल एसेट के अगेंस्ट अगर आप कोई भी कॉम्पेंसेशन लेते हो तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट फॉर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा बराबर क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो सामने वाली पार्टी को आपने पेमेंट किए ठीक है तो पेमेंट इन रिलेशन टू द फिक्स एसेट इन प्लान मशीनरी इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है रॉयल्टी रिसीव्ड इन लमसम गाइस रॉयल्टी कमाना हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है डायरेक्टर फॉर नॉन रिजाइनिंग डायरेक्टरशिप किसी को बिजनेस में कोई डायरेक्टर छोड़कर जा रहा था उसको रोका है और उसको कॉम्पेंसेशन पे किया है बराबर अमाउंट रिसीव्ड है सॉरी डायरेक्टर को कॉम्पेंसेशन मिले हैं इट्स्यू रिसिप सैलरी इनकम है एनीथिंग रिसीव फ्रॉम द बॉस इज अ सैलरी और डायरेक्टर कौन होते हैं एम्प्लॉय होते हैं आपको इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना ठीक है गाइस इसी के साथ पूरा डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको प्रिंट आउट फॉर्म में भी दे दिया है सब कुछ फटाफट फटाफट स्पीड में एक्सप्लेन भी कर दिया है देन टू दिसम एंड आराम से ठीक है इस पेपर को आप प्लीज सॉल्व करें खुद से और देखिए टाइम कितना लगता है क्योंकि दिस पेपर वाज बिट लेंथी एंड फर्स्ट टाइम टैक्स वही क्लियर कर पाएंगे जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं जस्ट रीडिंग द थ्योरीज विल नॉट गो टू वर्क ओके गाइस बाय थैंक यू वाच थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स